हेलो नमस्कार, मेरा नाम एकलव्य और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए के बारे में कि दोस्तों बीए क्या है, ये कितने साल का कोर्स होता है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे एडमिशन होता है, क्या आप जो बीए में जो भी सब्जेक्ट लिए हैं उसमें स्पेशलाइजेशन होती है, इसके साथ क्या करियर स्कोप होगा बीए करने के बाद। तो दोस्तों पूरी कंप्लीट वीडियो बीए के बारे में बनाई है, तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बीए जिसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ आर्ट, यह एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है आर्ट सब्जेक्ट में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो 12th पास करते हैं आर्ट सब्जेक्ट से, उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट बीए को चूज करते हैं। इसके अलावा भी बीए बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, ज्यादातर स्टूडेंट जो आगे चल के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं या फिर अलग अलग सेक्टर में जाना चाहते हैं और उनको ज्यादा समय नहीं मिलता है पढ़ाई करने के लिए लेकिन अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो वो लोग बीए को चूज करते हैं। दोस्तों बीए एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। आप यदि क्लास 12th पास करने के बाद यदि कोई सब्जेक्ट ऐसा चूज करना चाहते हैं जिसमें आपको ज़्यादा समय नहीं देना हो और आप एक डिग्री भी चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री, तो आप बीए को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर कम्युनिकेशन स्टडी, फिलोसफी ऐसे सब्जेक्ट में यदि आपको स्पेशलाइजेशन करनी है, आपको ये सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, तो भी आप बीए को चूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो कोर्स है ये 3 ईयर्स ड्यूरेशन का होता है। ये कोर्स फुल टाइम, पार्ट टाइम, क्रॉस पढ़नेस और डिस्टेंस मोड से भी किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों जो स्टूडेंट यदि खाली हैं, मतलब कि उनको पर्सनली किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन लेना है या फिर आपके पास समय है, तो आप फुल टाइम इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास उतना समय नहीं है, आप अलग से कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पार्ट टाइम के तौर पर भी इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो भी आप पार्ट टाइम में इसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप करस्पॉन्डेंस से भी कर सकते हैं या फिर डिस्टेंस मोड से भी आप बीए को कर सकते हैं। इसमें ये सारी चीजें हैं, तो आप इसके थ्रू भी बीए को कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी बीए में एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों यदि आप 12th पास हैं तो आप बीए के लिए एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास किए हैं वो भी कोई मैटर नहीं करता है, आप बस 12th पास होने चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे कॉलेज है जो 45-50% मिनिमम मार्क्स रखे हुए एडमिशन के लिए। इसके अलावा वो 5% रिलैक्सेशन भी देते हैं SC ST कैटेगरीज के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज है जो मिनिमम परसेंटेज नहीं रखते हैं, वो किसी भी परसेंट पर आपका एडमिशन ले लेंगे, बस आपका 12th क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अब आपका एडमिशन कैसे होगा यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो दोस्तों आपका जो एडमिशन है वो मेरिट बेसिस पर होता है, ठीक है। जैसे कि यदि आप इन सभी क्राइटेरिया को पार करते हैं तो आपका मेरिट बेसिस जो भी आपका 12th मार्क्स है उसके आधार पर आपका एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इंडिया में ऐसे पॉपुलर कॉलेजेज हैं जो इसके एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं, ठीक है, अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो आप उन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके भी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि कुछ पॉपुलर जो है कि एंट्रेंस एग्जाम है बीए के लिए, जैसे कि BHU UET, DUET, JNUEE, PISSBAT, PUBDET, NIMSEE, IPUCET, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। तो दोस्तों ये कुछ पॉपुलर जो एंट्रेंस एग्जाम के नाम हमने बताए हैं, इनको आप फॉर्म फिल करके यदि आप इनको क्लियर करते हैं तो आप इन सभी बड़े कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका भी सपना है इन कॉलेज में एडमिशन लेने का, बीए करने का, तो आप इन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके वहां पर एडमिशन पा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होती है। तो दोस्तों हाँ, यदि आप बीए में जो भी सब्जेक्ट आप लिए हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट को चूज कीजिए, उसमें आप यदि पढ़ेंगे तो आप उसके थ्रू स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, कम्युनिकेशन स्टडी, फिलोसफी, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, रिलीजियस स्टडी, तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप बीए के थ्रू स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जिस भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो पहले आप पता कर लीजिए कि क्या उस सब्जेक्ट में बीए के थ्रू स्पेशलाइजेशन होती है, तो यदि होती होगी तो आप उसमें एडमिशन लेके उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अब चलिए बात करते हैं कि क्या करियर स्कोप होगा बीए कंप्लीट करने के बाद।
तो कुछ सेक्टर है जहां पर आपको जॉब मिल सकती है बीए कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का जो सेक्टर है इसमें आपको जॉब मिल सकती है आसानी से। आप सोशल वर्क सेक्टर में काम कर सकते हैं, आप फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप उस क्षेत्र में भी जाके अपना बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं बीए कंप्लीट करने के बाद। दोस्तों बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जिनमें सिर्फ बैचलर की डिग्री मांगता है, वहाँ पर सिर्फ ये नहीं पूछता है कि आप कौन सी डिग्री लिए हैं, ठीक है, बस आपकी बैचलर कंप्लीशन चाहिए। तो वहाँ पर आप बीए की डिग्री लगा के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे कि एसएससी में हो गया, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, और भी बहुत से एग्ज़ाम हैं जिनमें आप बीए का जो है कि ग्रेजुएशन की डिग्री देकर वहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीएससी का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब हैं जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं बीए कंप्लीट करने के बाद। दोस्तों बीए कंप्लीट करने के बाद आप और हायर स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि आप बीए कंप्लीट करने के बाद आगे और कुछ पढ़ाई करें तो आप वो भी कर सकते हैं। दोस्तों आप बीए के बाद एमए भी कर सकते हैं, मास्टर इन आर्ट्स, ठीक है। तो दोस्तों आप जिस भी सब्जेक्ट में आप एमए की हैं, यदि आप उसमें पीएचडी करना चाहते हैं तो आप उसमें पीएचडी भी कर सकते हैं। आप नेट जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि आप बीए करने के बाद आप एमबीए का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आप एमबीए के लिए भी जा सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है बीए ख़त्म करने के बाद, ठीक है। दोस्तों ये पूरी कंप्लीट वीडियो थी बीए के बारे में। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए। इस वीडियो कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और आपसे हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।